नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। चौथा लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है, उसके आज पहले दिन है। आप देख सकते हैं, ये दरअसल दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में लगभग सेवाएं जो है वो शुरू कर दी गई है और तमाम जो फैक्ट्रियां हैं या तमाम जो चीज़ें हैं वो शुरू कर दी गई है। हालांकि मेट्रो को अभी भी बंद रखा गया है, जो प्राइवेट व्हीकल है उनको कहीं ना कहीं बंद रखा गया है और हर एक चीज़ों को खोल दिया गया। आप दिल्ली का ये नज़ारा देख सकते हैं, पहले का जैसा ही हो गया है। हैवी ट्रैफिक रोडों पे वो लोग अपने अपने प्राइवेट व्हीकल से जा आ रहे हैं। मतलब अब कहीं जैसे लग रहा है कि कोई लॉकडाउन नहीं है। हालांकि जो गाइडलाइंस में कहा गया है कि सोशल डिस्टेंस तो रखना ही होगा, उसका पालन लोग कर रहे हैं कि गज दूरी बनाए रखें और मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन अब दिल्ली में लग रहा है कि सब कुछ सामान्य हो चुका है। मेट्रो के अलावा लगभग चीज़ें को हरी झंडी मिल गई है, हरी सब चीज़ चल रही है। और आप देख सकते हैं ये नज़ारा है कि किस प्रकार से लोग, कि हमारे साथ बहुत सारे ऑटो चालक हैं जिनका परमिशन तो अभी नहीं दिया गया है, हालांकि कुछ दूर तक अपने पालन पोषण करने के लिए जा सकते हैं। हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि कैसे इनका जीवन यापन चल रहा था। कहाँ से हैं आप? यूपी से। ऑटो लगा खड़े हैं यहाँ पे सवारी के लिए? सवारी के लिए। इतना दिन से तो बंद था, कैसे चल रहा था? भैया ऐसे ही चल रहा था, छोटे छोटे बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं, क्या करें। फिर भोजन भात सब कैसे चल रहा था? भोजन भात सब कैसे चल रहा था? ऐसे ही चल रहा है भाई। मुहैया कराई कुछ सरकार की तरफ से, कुछ मिला? मिला एक बार मिला भैया, 5,000 रुपए दिए, उससे क्या होता। अच्छा। कमरे का किराया, गाड़ी का किराया, पार्किंग का क्या होने वाला है उससे? तो क्या अब इसको इस महीने की घोषणा तो करिए, फिर उम्मीद नहीं देने की। ऑटो को पूरी तरह से लॉक कर देना चाहिए, चलाना चाहिए पूरे दिल्ली में। हाँ, तो देखिए, ये ऑटो ड्राइवरों का कहना है कि आप ऑटो को पूरी दिल्ली में चलाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग दूसरे राज्य से आए। देखिए, और लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे भी जानेंगे। कहाँ से हैं आप? मैं रोहड़ी से। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पंजाब के। अच्छा, पंजाब। इतने दिन से लॉकडाउन थी, बंद था सब कुछ, तो कैसे चल रहा था जीवन यापन? ऐसा बहुत बुरा हाल चल रहा है, मजबूरी में निकाला, लेकिन रस्ते में रोक लेंगे ऑटो को तो कहाँ क्या करेंगे। मतलब पूरी तरीके से दिल्ली में ऑटो को चलने देना चाहिए? चलना चाहिए। हाँ जी। तो इतने दिन से आप कैसे रूम रेंट ये सब कर रहे थे? चल रहा है, गुजारा चल रहा है। कुछ सरकार की तरफ से कुछ मिला? हाँ, 500 रुपये खाते में डलवाए थे। 500 रुपये खाते में। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये सारी दिक्कतें हैं, ये ऑटो चालक सब हैं, इनको लोगों के सारी दिक्कतें हैं कि अब कम से कम जो है वो ऑटो को पूरी तरीके से फ्री कर दिया जाए, पूरे दिल्ली में चलाया जाए। ये और ढेर सारे लोग हैं वो ये ऑटो चालक हैं। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? यूपी बनारस। बनारस से। अब ऑटो को चलने देना चाहिए पूरा दिल्ली में? बिल्कुल जी, बिल्कुल चलना देना चाहिए। इतने दिनों से बंद था ऑटो सब, तो कैसे जीवन यापन हो रहा था? बस जी, हो रहा है जैसे तैसे। सरकार की तरफ से कुछ मिला? सरकार तो हमारे तरफ कुछ नहीं मिला जी। कुछ नहीं दिया सरकार की? क्या दिया जी हम लोगों को सरकार। आप कहाँ से सर? बस वही जो बतलाए हम वहीं से हैं। वहीं से हैं। अच्छा अच्छा, इतने दिनों से कैसे चल रही थी? लॉकडाउन था, गाड़ी खड़ी थी गाड़ी। तो फिर जीवन यापन कैसे? बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ा होगा। बिल्कुल दिक्कत का सामना करना पड़ा है। सरकार की तरफ से कुछ मिला? सरकार की तरफ से भेजे तो थे, पर अभी मिला नहीं। हमारा मिला नहीं है, खाता बंद है, अभी मिला नहीं है। पता नहीं आया है कि नहीं आया है, अभी पता नहीं। अच्छा, तो क्या ऑटो को अब परमिट मिल जाना चाहिए कि पूरे दिल्ली में चलाने देना चाहिए? हाँ जी, मिलना तो जरूर चाहिए, मिलेगा नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, भुखमरी की कहीं ना कहीं। हाँ, वही बात है। देखिए, और लोग कहाँ से हैं आप? यूपी मैनपुरी से। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते। ऑटो? क्या अब ऑटो को परमिशन देना चाहिए ना? हाँ जी, परमिशन पूरी तरीके से। हाँ जी। तो देखिए, कहीं ना कहीं चलना चाहिए पहले जैसे चलने चाहिए, और रोजगार होना चाहिए। हम बच्चे बहुत दुखी चल रहे हैं, कमरा किराए पे है, गाड़ी भी किराए पे है, चलेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? खाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखिए, एक और आ गया, इनसे भी हम जानते हैं। कहाँ से हैं आप? बादली से ही आए। मतलब रहने वाले कहाँ के हैं? बिहार के। बिहार के। सब तो सब बंद था, तो कैसे जीवन यापन चल रहा था? क्या करे सर, खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं, बाल बच्चे भूखे मरेगा क्या फायदा है। कुछ सरकार की तरफ से कुछ मिला सहायता? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। बिहार सरकार कह रही कि हमने 1,000 रुपया खाते में दिया, भोजन का व्यवस्था करवा दिया हूँ। नहीं जी, अभी कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला। क्या अब परमिशन मिलना चाहिए हर गाड़ी को लगभग दिल्ली में चलने के लिए, रोजगार मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए जी।
हाँ तो देखिए ये ढेर सारे लोग हैं जो कि बिहार और यूपी के रहने वाले हैं, जो ऑटो चलाते हैं यहाँ पे और उससे ही कमा के अपना जीवन यापन करते हैं। तो इन लोगों का साफ शब्दों में कहना है कि कहीं ना कहीं अब जो है वो परमिशन ऑटो को या जो भी चीज़ चल रही है उनको परमिशन मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग भुखमरी के कगार पे हैं और सरकार जो है वो कोई चीज़ कोई किसी भी तरीके से मदद नहीं कर रही है। जो दावा है बिहार सरकार का कि 1000 रुपये दिया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों को इन लोगों ने बताया कि हमको मालूम नहीं है कि कैसे आता है, क्यों आता है, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको दरअसल जानकारी नहीं मिल पाएगा। उनके पास हो सकता है कि स्मार्टफोन नहीं हो, वो ऐप की जानकारी नहीं हो, तो बहुत सारी दिक्कतों का समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो प्रवासी मजदूर है जो ऑटो सब चलाते हैं, उनका कहीं ना कहीं कहना है कि अब ऑटो सबको पूरी तरीके से चलने देना चाहिए। कहीं ना कहीं अभी तो निकाले हैं रोड पर, लेकिन डर सता रहा है कि सर थोड़ा दूर भी जाएंगे तो पुलिस हमको रोक लेगी। तो आप देखते रहिए, पल पल की अपडेट हम बताते रहेंगे। द एसडी न्यूज के माध्यम से हर एक खबर आपको दिल्ली से सबसे पहले अपडेट मिलेगा। दिल्ली से द एसडी न्यूज के लिए अमित चौधरी की रिपोर्ट।